नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जर्मनी के रक्षा मंत्री के साथ बैठक करेंगे, जहां कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जहां औद्योगिक और रक्षा क्षेत्र में कई MOU भी साइन हो सकते हैं। किसान आंदोलन की छठी वर्षी पर आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बड़ी प्लानिंग की है, जिसके तहत आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आम सभा के माध्यम से BJP को घेरने का काम करेंगे। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने आज अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बता दें कि गहलोत ने यह बैठक ऐसे वक्त पर बुलाई है जब राज्य के कई ठिकानों पर ED द्वारा छापेमारी की जा रही है। ऐसे में उनकी यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति और झारखंड सरकार के नौकरशाही के रवैये से परेशान मजदूर और कर्मचारी आज रांची के श्रम भवन के सामने विशाल प्रदर्शन करेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आज K-Phone प्रोजेक्ट लॉन्च करने को तैयार हैं, जहां इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य राज्य के घरों, वाणिज्यिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस न्यूज को लाइक और कमेंट जरूर कर दें, ताकि हमारा उत्साह बरकरार रहे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यूज पर कमेंट करने वाले लोगों का नाम हम लोग लास्ट में बताते हैं, इसलिए आप इस न्यूज को लास्ट तक जरूर देखें। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बेटी आज वैवाहिक बंधन में बंधने जा रही है। यह शादी समारोह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 6 स्टेट के CM पहुंचने वाले हैं। इसके मद्देनजर ग्वालियर को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ममता बनर्जी का दार्जिलिंग दौरा अचानक हुआ रद्द। वे आज से 4 दिवसीय दार्जिलिंग दौरे पर जाने वाली थी। भारत के थलसेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे बांग्लादेश के दौरे पर हैं, जहां वे आज बांग्लादेश के सैन्य अकादमी के 84वें लॉन्ग कोर्स के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक एक्शन मोड में दिख रहे हैं, जहां प्रदेश में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक हाथरस में 6 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया। बिहार में BJP के नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि 2016 से ही हमारी मांग थी कि गंगा नदी पर सुल्तानगंज और खगड़िया के बीच भागलपुर में बन रहे पुल की जांच की जाए, जहां बिहार सरकार की निष्क्रियता के कारण पूरा ढांचा ढह गया और नीतीश कुमार पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन हम पल्ला झाड़ने नहीं देंगे। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि पूरी दिल्ली में तिमारपुर झील जैसी कई झीलें विकसित की जा रही है, अब आने वाले समय में दिल्ली झीलों का शहर बन जाएगा। पंजाब के CM भगवंत मान ने कहा है कि यूनिवर्सिटी के अंतर्राज्यीय दर्जे को बरकरार रखने के लिए हर कदम उठाया जाएगा और किसी को भी इसमें कोई तब्दीली नहीं करने दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिविल सेवा के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को लोक सेवकों की संज्ञा देते हुए कहा कि वे पूर्ण ईमानदारी, संवेदनशीलता, धैर्य, सेवा भाव और अंत्योदय की भावना के साथ काम करें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 वर्षों से देश में युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में जो अभियान चलाए जा रहे हैं, उसमें रोजगार मेले की एक कड़ी और जुड़ गई। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। झारखंड में केंद्रीय सुरक्षा बलों ने तुम्बा हाका गाँव को नक्सलियों के चंगुल से दिलाई आजादी, जहाँ कोल्हान के जंगल में चल रही है आखिरी लड़ाई। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने किसानों से की अपील, कहा खरीफ सीजन में जैविक खाद और कीटनाशक का अधिक से अधिक प्रयोग करें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि भारतीय लोग अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने का मोह त्याग दें, अब भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। पहले भी विदेश से बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे, आगे भी विदेशी बच्चे भारत आएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यावरण दिवस पर कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में महत्वाकांक्षी प्रयास किए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में 1 जनवरी को हुए हमले में अपने 2 बेटों को गंवाने वाली सरोज बाला ने सरकार से न्याय की अपील की। उन्होंने कहा, मैं बस अपने बच्चों के लिए न्याय चाहती हूँ।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्रेन हादसे की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने के रेलवे बोर्ड के फैसले की आलोचना करते हुए बोली, हम चाहते हैं कि लोग सच्चाई जाने, यह सच्चाई को दबाने का समय नहीं है। मैंने भी सीबीआई को ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस मामले की जांच सौंपी थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीजेपी और शिवसेना सभी चुनाव गठबंधन के तहत ही लड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान दिल्ली में चर्चा हो गई है। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में गुजरात टाइटंस के लिए खेलने वाले तेज गेंदबाज यश दयाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लव जिहाद के नाम पर बवाल मच गया, जिसके बाद यश ने तुरंत विवाद गहराता देख पोस्ट को हटा लिया और सोशल मीडिया पर माफी भी मांग ली। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वह 42 साल पहले पहली बार सांसद बने थे, तब से वह जोधपुर को बहुत करीब से जान रहे हैं। पहले जोधपुर में विकास के नाम पर कुछ नहीं था, ना शहर में पानी ना ट्रेन थी। आज जोधपुर में पानी, बिजली, ट्रेन, सड़क, एजुकेशन और स्वास्थ्य के सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। निषाद पार्टी के सुप्रीमो और मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने सुल्तानपुर के दौरे के दौरान कहा कि भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष सेवा सुशासन गरीब कल्याण में समर्पित रहे। लखनऊ के शहीद पथ पर इकाना स्टेडियम के पास हुआ बड़ा हादसा, जहां खड़ी स्कॉर्पियो पर गिरी होर्डिंग, जिससे स्कॉर्पियो में बैठा एक युवक और दो युवती दब गई। तीनों को इलाज के लिए लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अब तक लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक ना तो लाइक किया है और ना ही कमेंट किया है। इसलिए उन सब से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप तो अपडेट रह सकें, साथ ही आपके जानने वाले भी अपडेट रह सकें और इस न्यूज़ का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, अब बारी है कल के न्यूज़ में कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम है सत्येंद्र साह, उपेंद्र सिंह, तासी नामगिल, मोनू माबी गुजर, श्याम नंदन चौधरी, श्याम पोरेन, तासी नामगिल, राजेंद्र प्रसाद, मेदीलाल मोरिया, संतोष भटनागर, सुनील कुमार पाथीपाका, दीपक ठेकेदार, अरविंद पासवान, अशोक परमार, प्रेम चंद, काजल कुमार गांगली, श्याम नंदन चौधरी, राजेंद्र पुनिया, करण सिंह, बवन यादव, कस्तूरी लाल, बंटी हजारिका, सुनील कुमार विद्यार्थी, महतो हरिनाथ महतो, अभिषेक सिंह नरुका, प्रवीण कलिता, वशिष्ठ तिवारी, विजय बहादुर, बलबंत सिंह गिल, रामदयाल सिंह, सैलू सिंह, सुधीर कुमार मिश्रा, राजीव आरबी, विजय सिंह बैरवा, गुडवेज ट्रेबल, परशुराम, राजेंद्र सिंह, देवेंद्र साहू, पूरन चंद सैनी, गणेश प्रसाद, अंसारी रसीद, अयोध्या प्रसाद राठौर, किशन चंद परवानी, अशोक कुमार, कमल साहू, सोमेश विके, राजेंद्र सिंह, छटंकी लाल, बनवारी लाल स्वामी, माही सिंह, पीसी मिश्रा, करुणा चक्रवर्ती, प्रवीण कुमार, वैनु सिंह चौहान, सुल्तान अंसारी, एमजेड कादरी, केपी तिवारी, शंभुनाथ सिंह, पुरुषोत्तम पांडे, आराधना आहूजा और अशोक आर्या। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।